वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट शिक्षा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक हाई मोमेंटम स्टॉक स्कैनर की बात करना चाहता हूं, जो आपको 10 से लेकर 30% तक का रिटर्न केवल एक हफ्ते में दे सकता है। तो इस स्कैनर पे हम चार मल्टीपल टाइम फ्रेम के इंडिकेटर्स का यूज करेंगे, जो कि हैं वॉल्यूम, बोलिंजर बैंड, RSI और WMA। इस स्कैनर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लिंक को क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस पेज पे पहुंच जाएंगे। और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, फिर भी आप चार्टिंग पे इस स्कैनर को रन करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप इसको हर दिन एक बार मार्केट क्लोज होने के बाद या मार्केट क्लोज होने से 2 घंटे 1 घंटे पहले रन कीजिए, और जो भी स्टॉक्स आए उनको एकदम लास्ट टाइम पे बाय कर सकते हैं या उसके अगले दिन बाय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लाइव अलर्ट पाना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे दो लिंक है फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग के, आप उसको ओपन कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक की, अगर आपके पास एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट पहले से है तो आप अपस्टॉक पे ओपन कर सकते हैं, या आपका दोनों पे है तो आप किसी भी फैमिली मेंबर का डीमैट अकाउंट ओपन करके आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे मोबाइल नंबर है उस पे आप व्हाट्सएप पे उनका नाम, या आप अगर अपना खोल रहे हैं डीमैट अकाउंट तो आप अपना नाम लिखकर भेज दीजिए मैसेज, तो मैं आपको विदिन 2 वर्किंग डेज पे मैं आपको ये इस टेलीग्राम चैनल पे, जिस पे डायरेक्ट मुझे लाइव अलर्ट आते हैं, जिस पे और भी बहुत सारे स्कैनर्स हैं अच्छे अच्छे उनके लाइव अलर्ट आते हैं, वो आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम इस स्कैनर की बात कर लेते हैं। इस स्कैनर पे हम, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, वॉल्यूम, बोलिंजर बैंड, RSI और WMA का इस्तेमाल करेंगे। तो हम देखते हैं इसको रन करके, देखते हैं कि हमको जितने भी क्राइटेरिया है ये चारों ये फुलफिल हो पाते हैं कि नहीं। तो हम चारों क्राइटेरिया को चेक करने के लिए हम इस स्कैनर को रन करेंगे। तो रन करने के बाद जो भी स्टॉक्स आएंगे यहाँ पे, आप बैक टेस्ट रिजल्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे 23 तारीख को ये कैरियर पॉइंट आया था, 23/3/2023 को। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ सर्च कर लेते हैं, कैरियर पॉइंट जी कब आया था, ये 23/3/2023 को, ठीक है। इसको हम चेंज कर लेते हैं और 1 डे के टाइम फ्रेम पे करेंगे। ये 23 तारीख को ये सारे हम सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस हटा देते हैं पहले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 23 तारीख को ये स्टॉक आया था। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारी क्लोजिंग है वो बोलिंजर बैंड के ऊपर हो रही है कि नहीं हो रही, और हम ये तीनों टाइम फ्रेम पे चेक कर सकते हैं। तो इससे पहले हम सबसे पहले तो वॉल्यूम चेक कर लेते हैं, जैसा कि हमने डाला था कि पहले वॉल्यूम चेक करेंगे। वॉल्यूम चेक करने के लिए हम देखेंगे कि पहले पिछले 20 दिन में जो वॉल्यूम था उससे डबल होना चाहिए, जो वॉल्यूम है उससे डबल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 23 तारीख को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया है, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है 23 तारीख को इसको बाय करने के लिए। तो हम इस पर एंट्री बनाएंगे, 23 तारीख को क्लोजिंग पे एंट्री बना सकते थे जब ये 193 के आसपास था, या फिर हम उसके अगले दिन क्लोजिंग उसके अगले दिन ओपनिंग पे प्राइस एंट्री ले सकते थे जो है 190 के आसपास। तो आप देख सकते हैं इसको अपन लेते, ठीक है। और ये बोलिंजर बैंड के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, ये बोलिंजर बैंड है, जैसा आप देख सकते हैं बोलिंजर बैंड, ये इसमें 20 डे का मूविंग एवरेज लगा हुआ है और ये बोलिंजर बैंड का अपर बैंड है, ठीक है। इसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे। और वॉल्यूम तो देख लिया हमने, अभी बोलिंजर बैंड की क्लोजिंग देख लेते हैं कि
इसके ऊपर है। आप इसका बोलिंजा बैंड का टाइम फ्रेम भी चेंज कर करके देख सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने डाला इसमें वीकली, मंथली और टुडे का, तो आप इस पे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं बोलिंजा बैंड की। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ सेटिंग पे जाना है आपको इसके बोलिंजा बैंड के, और यहाँ पे टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम आप मंथली, वीकली, आप कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। ये जो क्लोजिंग है ये इसके ऊपर होनी चाहिए। अब ये जैसे अभी मैंने वीकली किया तो इसके ऊपर आ रही है 23 को। कितने तारीख को आया था ये स्टॉक, सॉरी 23 को। हाँ तो 23 को ये इसके ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है, ये रहा, सॉरी यहाँ पे मार्च पे 23 को। ये वाली कैंडल सेम इस पे, जैसे कि ये इसके ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है, वीकली पे, मंथली पे, आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे ले जाके चेक कर लीजिए पहले, फिर एंट्री बनाइए, कि जिससे आपका जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल ही रहे। ठीक है, आप जैसे 190 पे अगर इस पे हम एंट्री करते हैं, 190 पे, यहाँ पे 190 पे अगर हम एंट्री करते, तो देखिए विद इन विद इन 1 वीक अप्रोक्स 30% का रिटर्न मिला हमको, अप्रोक्स 30% का। और ऐसे ही हम RSI चेक कर लेंगे, जो कि हमारा थर्ड क्राइटेरिया है। और ये जैसे कि RSI आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये RSI आपका 60 से अबव होना चाहिए। ये 60 है, ये 60, ये यहाँ पे आया था हमारे पास इंडिकेट, सॉरी यहाँ पे इंडिकेशन आया था हमारे पास 23 मार्च को आया था। तो हम चेक कर लेंगे कि जो RSI है वो 60 के अबव होना चाहिए। ये 60 के अबव है यहाँ पे, ठीक है। और क्या करना है, WMA चेक करना है कि जो WMA है वो क्रॉसओवर होना चाहिए। तो WMA क्या है, ये जो येलो कलर की लाइन दिख रही है ना आपको, ये है WMA, ये जो येलो कलर की लाइन दिख रही है ये WMA है, ये यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल 60 के प्राइस पे आया है और यहीं पे एग्जैक्ट क्रॉसओवर हो रहा है, तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो एंट्री लेते अगर हम यहाँ पे 190 पे, तो हमको लगभग 30% का रिटर्न मिल जाता अभी तक। अभी हम और स्टॉक्स चेक कर लेते हैं, जैसे बैक टेस्ट पे हम चेक कर लेते हैं, जैसे हाँ GETND, ठीक है, ये दिखा रहा है 23। इनफैक्ट ये इससे पहले भी आया होगा, हाँ 10 तारीख को दिखा रहा है ये, 10/4/2023 को। तो हम 10/4/2023 को देख लेते हैं कि ये कहाँ पे था। हाँ तो हमको GET देखना है, तो GET मैंने यहाँ पे सेव करके रखा है, GET मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको GET दिखा देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं 11 तारीख को आया है वो। ग्यारह अप्रैल को शो कर रहा है यहाँ पे कि 10/4/2023 को आया है, 10 तारीख को आया है। तो 10 तारीख को हम जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे 10 तारीख को देखेंगे। तो 10 तारीख को, 11 तारीख को ये बोलिंजा बैंड को क्रॉस नहीं किया है उसने। जब जब ये बोलिंजा बैंड को क्रॉस नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे कि अभी हम इस पे एंट्री नहीं बनाएंगे, अभी हम इस पे एंट्री नहीं बनाएंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे इस पे वापस से कब आया है। वापस दिखा रहा है ये 25 तारीख को आया है, ठीक है। तो मैं इस पे लाइव अलर्ट पे था, जब इस पे लाइव अलर्ट आया, मैं इसलिए स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि कब आया था ये। ये आया था मुझे, मैं आपको टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ यहाँ पे। ये आया था मुझे 27 को आया था, 11:13 पे मुझे इसका अलर्ट आया था, 27 को, 27 अप्रैल को, ठीक है। लाइव अलर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। वो बैक टेस्ट में ये क्या करते हैं, ये थोड़ा सा क्या रहता है कि वेनिस हो जाते हैं स्टॉक्स, यहाँ से गायब हो जाते हैं। पहले आता है कभी कभी और कुछ गायब हो जाता है, इसलिए मैं इसी स्टॉक इस स्किनर को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इस पे हमको एंट्री स्टॉक्स आ जाने के बाद और सारी क्राइटेरिया देखने के बाद ही करनी है, तो हमारे प्रॉफिट के चांसेस 90-100% हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको, जब मैंने इसका पेड स्किनर ले लिया था, उस
उसके बाद का मैं बता रहा हूँ बिल्कुल जेन्युइन होके। ये आया था मुझे 11:13 पे 27 को, 27 अप्रैल 11:13 में। मैं इसके स्क्रीनशॉट लगा दूंगा तो ये आप देख सकते हो। मैं इसको 30 मिनट का कर देता हूँ, 27 को आया था लाइव अलर्ट पे। ये रहा 27 को 11:13 पे आया था। आई थिंक इस कैंडल पे आया था, 30 मिनट की कैंडल है ये। हाँ इस वाले पे आया था ये, यहाँ पे जब ये इसको क्रॉस ओवर कर गया था। तो अगर हम इसको क्लोजिंग का वेट करते हैं, इस पे क्लोजिंग यहाँ पे हो रही है ये इस वाली कैंडल पे 3:15 पे। तो 3:15 पे हम क्लोजिंग अगर एंट्री बनाते तो कितने परसेंट का रिटर्न मिल चुका होता अभी हमको? लगभग 30% आप मान के चलो, अगर इसके भी नीचे थोड़ा सा भी नीचे लेते तो लगभग 28% का रिटर्न मिल रहा है हमको। और कितने दिन में मिल रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये है ये 27 को आया था तो विद इन 1, 2, 3, 4, 5 5 डेज में आपको 30% का रिटर्न मिल रहा है। तो आप ऐसे ही सारे बैक टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। कोई भी स्टॉक उठाएंगे, ये कैरियर पॉइंट ही वापस से है यहाँ पे। हम इसके बाद यहाँ बीच में मार्केट आपको पता है बहुत ज्यादा डाउन चला गया था तो यहाँ पे नहीं आया था। यहाँ पे आप धन बैंक उठा सकते देख सकते हैं। आप ऐसे बैक टेस्ट कीजिए, और लाइव अलर्ट के लिए आप डीमैट अकाउंट खोल के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम पे डायरेक्ट ज्वाइन कर दूंगा जहां पे आपको बिल्कुल लाइव अलर्ट आएगा। ये लाइव अलर्ट पाने के लिए भी चार्टिंग में कुछ ऑप्शंस होते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे टेलीग्राम पे लाइव अलर्ट आता है। अगला वीडियो मैं उस पर बना दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।